अभी जो ताजा घटना हुई है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर है, भूख का जो इंडेक्स है उसको लेकर है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो ताजा आंकड़े आए हैं, ये मुझे लगता है ये चिंता करने के लिए, इससे इसमें आप सोचें, विचार करें, इसको लेकर परेशान हो, उससे ज्यादा ये एक हंसने की बात है। कुपोषण और भूख के मामले में, भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर है। भारत ने श्रीलंका के अंदर अनाज भेजा, दवाइयां भेजी, तो भारत श्रीलंका को अनाज और दवाइयां भेज रहा है। भारत पाकिस्तान को, जो यानी कि श्रीलंका और पाकिस्तान जो भारत से बेहतर स्थिति में है, उनको खाना भारत भेज रहा है। उनके यहाँ जो भूखे लोग हैं उनको भारत खाना भेज रहा है, मुफ्त में भेज रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसका आधार पता क्या है? इसका आधार यह है कि इन्होंने 3000 लोगों के, भारतीयों के बीच सर्वे किया था। 3000, आप कल्पना कीजिए, 135 करोड़ लोगों का देश है और इस 135 करोड़ लोगों के बीच में 3000 लोगों में सर्वे किया और उसके आधार पर भारत को एक ऐसा देश बना दिया जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं या जहां पर कुपोषण और भुखमरी से लोग शिकार हैं। अब आप सोचिए, और इन 3000 लोगों से क्या सवाल पूछा गया था? इन 3000 लोगों से सवाल ये पूछा गया सर्वे में कि क्या आपको लगता है कि जितना आपको खाना चाहिए उतना आप खा पा रहे हैं? हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमी और कमजोरी है, हम जब भी किसी विदेशी को देखते हैं, खासकर किसी गोरी चमड़ी वाले को देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये बहुत ज्ञानी है, ये परम ज्ञानी है और इसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है, और इसीलिए गोरी चमड़ी वाले जो कह देते हैं हम उसको मान लेते हैं। भारत के पत्र पत्रिकाएं कुछ भी छापे उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग कोई चीज देखते नहीं है, किसी चीज की तह तक जाने की, उसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन विदेशी अखबार, विदेशी पत्रिकाएं जो छाप देते हैं हम उसको जो है परम ज्ञान मान लेते हैं। उनको, हमको लगता है अरे वाह, इन्होंने कह दिया तो बिल्कुल सही होगा, सत्य होगा। इसी तरह से अगर कोई विदेशी जो है एजेंसी भारत को लेकर कोई सर्वे करके कुछ कह दे, हम तुरंत मान लेते हैं, हाँ भाई देखिए विदेशी सर्वे है, यहाँ के पत्र पत्रिकाएं, यहाँ के अखबार वाले, मीडिया वाले उसको बढ़ चढ़कर छापने लगते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। अभी जो ताजा घटना हुई है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर है, भूख का जो इंडेक्स है उसको लेकर है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो ताजा आंकड़े आए हैं, ये मुझे लगता है ये चिंता करने के लिए, इससे इसमें आप सोचें, विचार करें, इसको लेकर परेशान हो, उससे ज्यादा ये एक हंसने की बात है। ये जो इंडेक्स बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने जो इंडेक्स बनाया है उस पर मुझे लगता है ठहाका लगाना चाहिए, उस पर जोर से हंसना चाहिए। ये कितने बेवकूफ किस्म के लोग हैं और इनके सर्वे की मेथोडोलॉजी क्या है ये मैं आज आपको बताता हूं। और इनकी बेवकूफी जो है वो तो आपको पता चल ही रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर भारत में कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ मीडिया वाले, कुछ बुद्धिजीवी इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को उठा करके कोई प्रोपेगंडा चलाते हैं, तो ये आपको देखना, आपको समझना है कि ये लोग जो है अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए किस तरह से भारत को बदनाम करने तक जो है उतर आते हैं। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात क्या, ये कहता है कि भारत में जो है लोगों के, लोग कुपोषण का शिकार हैं, भारत में लोग भुखमरी का शिकार है, आदि आदि। इसमें कोई दो राय नहीं, भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको खाने पीने की तकलीफ है, ये हो सकता है और ये है भी। मतलब भारत में, मैं नहीं कहता कि बहुत हम लोग राम राज्य ले आए हैं और भारत में सब कुछ चीज अच्छी है, लेकिन ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि भारत जो है इस पैमाने पर, कि भाई कुपोषण और भुखमरी के पैमाने पर दुनिया के देशों में भारत का नंबर 109 है, 109। अब चलिए मान लिया 109 है, एक बार को आपको लगा कि हाँ भारत में खराब स्थिति है, भारत की स्थिति 109 नंबर की होगी, लेकिन अब आप देखिए कि बेशर्मी देखिए और ये विडंबना देखिए कि इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है वो श्रीलंका 64वें नंबर पर है, यानी श्रीलंका हमसे बहुत बेहतर है, श्रीलंका 64वें नंबर पर है, और पाकिस्तान, सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, झटका ना लगे आपको, जरा अपनी सीट बेल्ट जो है टाइट कर लीजिएगा, पाकिस्तान 84वें नंबर पर है।
यानी पाकिस्तान 84वें नंबर पर है, भारत 109 नंबर पर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुपोषण और भूख के मामले में, भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर है। अब आप मुझे ये बताइए, ये तथ्य जब आपके सामने आएगा तो आप इसको लेकर के क्या करेंगे? आप इसको लेकर के क्या भरोसा कर लेंगे? आप इस पर हंसेंगे या फिर इस पर क्या करेंगे? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि आप देखिए ना, ये जो तमाम ये जो हंगर इंडेक्स है, इसमें जिन देशों के नाम है, चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, आपको श्रीलंका की स्थिति पता है कि वहां पर क्या है, वहां पर किस तरह से जो है अनरेस्ट हुआ, और श्रीलंका के अंदर जो है वहां पर बाकायदा जो है भारत ने श्रीलंका के अंदर अनाज भेजा, दवाइयां भेजी। तो भारत श्रीलंका को अनाज और दवाइयां भेज रहा है, भारत पाकिस्तान को, जो यानी कि श्रीलंका और पाकिस्तान जो भारत से बेहतर स्थिति में है, उनको खाना भारत भेज रहा है। उनके यहाँ जो भूखे लोग हैं उनको भारत खाना भेज रहा है, मुफ्त में भेज रहा है। भारत अनाज जो है न सिर्फ श्रीलंका में पाकिस्तान में भेजता है, बल्कि नेपाल में अफगानिस्तान में भेज रहा है, दवाइयां भेज रहा है। अभी यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने मदद की सामग्री भेजी। आप कल्पना कीजिए कि जिस श्रीलंका और जिस पाकिस्तान को भारत से बेहतर स्थिति में दिखा रहे हैं, वहां पर भारत अनाज भेज रहा है और भारत को कह रहे हैं कि भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर भुखमरी की स्थिति में है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल क्या है ना कि ये सारा एक भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है। पश्चिम के देश और पश्चिम की जो ताकतें हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक महाशक्ति बनकर उभरे, भारत एक ताकतवर देश बनकर उभरे। तो वो अपने हिसाब से कभी कभी ऐसे एजेंडे गढ़ते रहते हैं जिसमें दिखाते हैं कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, भारत तो कोई देश ही नहीं है, भारत के लोग तो बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग हैं। इसी पूरे एजेंडे के तहत पश्चिम ने एक एजेंडा चलाया था ना कि भारत जो है वो सांप सपेरों का देश है, तो इस तरह का एजेंडा चलाया था, और इस एजेंडे में हमारे बड़े बड़े नेता भी फंस जाते हैं। तो इस तरह से पश्चिम के देश भारत को बदनाम करने, भारत को नीचा दिखाने के लिए पश्चिम की ताकतें जो है इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती हैं भारत को लेकर के, और उन्होंने कई एजेंसियां इस तरह से पाल रखी हैं, पाल पोस कर ऐसी कई एजेंसियां बड़ी कर देते हैं ये लोग। वो एजेंसियां क्या करती हैं, जब कभी उनका मन करता है कोई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो है एक सर्वे कर देते हैं, और सर्वे के आधार पर जो है भारत को इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोग इनके एजेंडे में मत फंसिएगा, इनको जब इस तरह की कोई चीज आए तो उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए। मीडिया में, सोशल मीडिया में इनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर, इनके सर्वे को लेकर जो चीज आ रही है उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। अब जो है ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसका आधार पता क्या है? इसका आधार यह है कि इन्होंने 3000 लोगों के, भारतीयों के बीच सर्वे किया था। 3000, आप कल्पना कीजिए, 135 करोड़ लोगों का देश है और इस 135 करोड़ लोगों के बीच में 3000 लोगों में सर्वे किया, और उसके आधार पर भारत को एक ऐसा देश बना दिया जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं या जहां पर कुपोषण है, भुखमरी से लोग शिकार हैं। अब आप सोचिए, और इन 3000 लोगों से क्या सवाल पूछा गया था? इन 3000 लोगों से सवाल ये पूछा गया सर्वे में कि क्या आपको लगता है कि जितना आपको खाना चाहिए उतना आप खा पा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। अब जितना आपको लगा उतना आप खा पा रहे हैं, ये सवाल भी अपने आप में बड़ा ही मतलब बेढंगा सा सवाल है। जो आप चाहते हैं वो आप खा पा रहे हैं, ये सवाल अपने आप में बड़ा बेढंगा सा है। मेरे से भी कोई पूछेगा कि आपको जो मिल रहा है तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैं तो आज जो है मुझे रोटी तो मिल रही है, खाना तो मिल रहा है, पराठे खा रहा हूं, मक्खन लगा के खा रहा हूं, लेकिन मुझे जो है ना बादाम जो है रोज कम से कम 1 किलो बादाम खाने हैं, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं भी जो है ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से मैं भी जो है भूखे लोगों में शामिल हो जाऊंगा। मैं जी मुझे पराठे मक्खन के साथ तो मिल रहे हैं लेकिन मैं रोज पिज्जा नहीं खा पा रहा हूं, इसलिए जो है मैं भी ग्लोबल उनके इंडेक्स में जो है भूखे लोगों की शुमार में मेरा हो जाएगा, मेरा नाम शुमार हो जाएगा। तो ये इस तरह के इनके सवाल ये लोग पूछते हैं, और इसी तरह से ये जो है ये एक पूरा एजेंडा है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और ऐसे एजेंडे जो हैं कभी पश्चिम की ताकतें दुनिया खड़ा करती है, पश्चिम के मुल्क खड़े करते हैं, उनकी एजेंसियां खड़ी करती हैं, तो कभी जो है जो पश्चिम के अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़े हुए हैं, वो इस तरह से करते हैं। अब आपको ये मालूम होगा कि राणा अयूब को, अभी दो आपको किस्से बताता हूं मैं, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। राणा अयूब जो है
एक ऐसी पत्रकार है जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती है और न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट ने जो है उसको बहुत बड़ा एक हीरो बना करके प्रोजेक्ट किया क्योंकि वो भारत के बारे में जो है उल्टी सीधी चीजें दुनिया भर में लिखती रहती है, इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट ने उसको बहुत बड़ा एक नायक नायिका बना करके पेश किया। अब ये राणा अयूब की असलियत क्या है आपको मालूम पड़ा होगा, राणा अयूब ने दरअसल कोरोना के नाम पर कोविड में गरीब लोगों के नाम पर गरीबों की मदद के नाम पर इसने 2.5 करोड़ रुपया दुनिया भर से जुटाया, 2.5 करोड़ रुपया दुनिया भर से जुटाया, लेकिन ये 2.5 करोड़ रुपया इसने अपने पर्सनल अकाउंट में रख लिया। 2.5 करोड़ रुपए में से 30-40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए, बाकी जो 2.25 करोड़ रुपया है वो खुद हजम कर गई। अब उस 2.25 करोड़ रुपए से ये दुनिया भर में घूम रही है, अपना अपने पर्सनल जो है मेकअप किट खरीद रही है या फिर जो है उससे जो है पार्टियां कर रही है, चिकन बीफ पार्टी कर रही है या फिर इससे जो है दारू पार्टी कर रही है, पब में जा रही है, मुझे नहीं पता क्या कर रही है, लेकिन सीधा सीधा गरीबों की मदद के नाम पर इन्होंने जो 1.5 करोड़ रुपया जो है 1.5-2 करोड़ रुपया जो जुटाया उसको इन्होंने हजम कर लिया। कुछ पैसा अपने पिताजी के निजी अकाउंट में, कुछ अपने बहन के निजी अकाउंट में डाल दिया। अब ऐसे पत्रकारों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो ये बिल्कुल सही है, आपने अपराध किया है, आप गरीबों के नाम पर पैसा इकट्ठा करके जो है चोरी कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, और इसके खिलाफ जो है जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये कह दिया जाता है कि भारत में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। और ये पश्चिम का मीडिया इसमें शामिल होता है क्योंकि पश्चिम का मीडिया जो है बिना तथ्यों की जांच की इस तरह से करता है। और देखिए पश्चिम के मीडिया का देखिए एक और मोहम्मद जुबैर सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, जिसके फेक ट्वीट जो है, फैक्ट चेकर है लेकिन उसके फेक ट्वीट जो है वो दुनिया भर में प्रचलित है। आप जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको उसके कई फेक ट्वीट मिल जाएंगे। एक बार उसने एक फेक खबर फैलाई थी, मैंने उसको अपने कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने उसको कथित फैक्ट चेकर को कहा कि आइए आपसे आमने सामने बैठ कर डिबेट हो जाए, मैं आपको अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहता हूं और आइए डिबेट कीजिए। डिबेट से भाग जाते हैं ये लोग क्योंकि इनके पास फैक्ट नहीं होते, तथ्य नहीं होते, डिबेट से तुरंत भाग जाते हैं, ये सच के सामना नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया इनको कैसे दिखाती है। अब यही मोहम्मद जुबैर को टाइम मैगजीन ने बाकायदा बता दिया कि मोहम्मद जुबैर जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में सबसे फेवरेट है, सबसे आगे है। अब आपको मालूम है जब इसके बारे में पूरी जांच हुई तो उसमें यह पता चलता है कि दरअसल जो लोग दौड़ में होते हैं, नोबेल पुरस्कार की दौड़ में होते हैं, वो 50 साल तक उनके नाम जो है डिस्क्लोज नहीं करता, नोबेल जो है जो संस्था है 50 साल तक, यानी कि अगर 2022 के अंदर मोहम्मद जुबैर का नाम चला भी होगा कि उसको शांति का मसीहा बता दें, उसको जो है किसी ने उसका नाम अगर प्रपोज भी किया होगा तो नोबेल के अनुसार उसका खुलासा जो है 2072 में होगा, 50 साल बाद। लेकिन टाइम मैगजीन ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी सिर्फ एक ऐसे शख्स को हीरो बनाने के लिए जिसको लेकर जो है जिसको लेकर आज तमाम तरह की कंट्रोवर्सी है, सिर्फ ये कि भारत को नीचा दिखाना है, भारत के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनको दिखाना है। और ये वही मोहम्मद जुबैर है ना जिसने दरअसल पूरे सरतन से जुदा पूरा एक पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की, इसी ने तो सरतन से जुदा गैंग को भारत के खिलाफ एक्टिव किया दुनिया भर में, और इसको लेकर के इस तरह से जो है उसको शांति का मसीहा बताया जा रहा है। तो ये जो है इस तरह से टाइम मैगजीन ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, वो बस्ट हो गया, 2 दिन में बस्ट हो गया। उसको तो बता रहे थे नोबेल पीस पुरस्कार मिलने वाला, टाइम मैगजीन ने बताया। और टाइम मैगजीन इस तरह का प्रोपेगेंडा पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले आपको याद होगा जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, उसको मोहम्मद उसको जो टाइम मैगजीन ने भारत के उभरते हुए नायकों में, भारत के उभरते हुए राजनेताओं में, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था तो उसको जो है भारत के उभरते हुए नायक बता दिया। और हुआ क्या, उसकी जमानत जब्त हो गई। सोचिए उस आदमी की जमानत जब्त हो गई लेकिन उसको जो है भारत का उभरता हुआ नेक्स्ट सितारा, भारत का राजनीति का चमकता सितारा टाइम मैगजीन ने दिखा दिया, जिसको भारत में कोई पूछता नहीं है, जिसके गिनती के जिसके जो है फॉलोअर होते हैं उसको, क्योंकि लेकिन क्योंकि वो भारत के खिलाफ बोल रहा है तो उसको जो है वो विदेशी मीडिया, विदेशी लोग जो है इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखा देंगे। ये इनकी असलियत है, इस इनकी असलियत को समझने की जरूरत है। ये जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, उससे फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं।
बीबीसी को लेकर बहुत सारी चीजें, किस तरह की कंट्रोवर्सी बीबीसी जो है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, कश्मीर को लेकर, कश्मीर में भारतीय सेना जो है लोगों को मार रही है, इस तरह का दुष्प्रचार बीबीसी करता है। ये वही बीबीसी है कि उसके यहां अगर उसके अपने देश में या उत्तरी आयरलैंड में कोई व्यक्ति अगर गोली चला दे तो उसको आतंकवादी मान देंगे, उसको कह देंगे आतंकवादी है। लेकिन कश्मीर में जो आतंकवादी लोगों को, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनको वो गनमैन कहता है। गनमैन और आतंकवादी में इनको फर्क नहीं पता। आपका गनमैन जो है आतंकवादी, आपका गनमैन आतंकवादी, हमारा आतंकवादी गनमैन। तो इस तरह के प्रोपेगंडा चलाते हैं। आपको इनके प्रोपेगंडा को समझने की जरूरत है, इनके दुष्प्रचार से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जो है विदेशी मीडिया देखकर, विदेशी पत्रकारों को देख करके, गोरी चमड़ी वालों को देख करके, हमको लगता है ये बड़े परम ज्ञानी है, ये जो भारत के बारे में कह रहे हैं वो परम सत्य है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये बात जानने की, समझने की आपको जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। We'll be right back.